This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम पीएसएक्स हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतिखाब। प्रोग्राम में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, कैपिटल मार्केट के हवाले से बात करते हैं और आपके सामने रखते हैं कि क्या कुछ मार्केट में हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, फोरकास्ट किया जाता है मार्केट के हवाले से। आज की बात करेंगे तो आज आपने देखा कि मार्केट ने थोड़ा सा अप एंड डाउन दिया है पॉइंट्स के हवाले से। 47,000 का KSE 100 इंडेक्स का कल लेवल क्रिएट हुआ और आज जब हमने ओपनिंग देखी मार्केट की तो 47,318 का एक लेवल जनरेट हुआ था और उसमें 11 बजे जो एक फिगर आई वो 108 पॉइंट्स की आई। उसके बाद मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गई है, फिर मार्केट ने सस्टेन किया है, मार्केट पीक पे आई उठी है। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि 855 पॉइंट्स का नेगेटिव चेंज भी मार्केट ने फेस किया दोपहर 2 बजे। उसके पीछे क्या वजूहत थी वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर मार्केट ने सस्टेन करना शुरू किया और दोपहर अगर 3 बजे की बात करें तो 165 पॉइंट्स का एक जगह हमने दोबारा मार्केट को नेगेटिव देखा। तो आज अगर देखें तो पिछले 2 दिन जो गुजरे उसकी निस्बत आज मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव रही, क्या वजूहत है आपके सामने रखेंगे। ये तो हमने मार्केट के फ्लक्चुएशन आपकी बता दी है। अब बात करेंगे KSE 100 के 30 के ऑल शेयर इंडेक्स की जो क्लोजिंग रही। KSE 100 इंडेक्स क्लोजिंग लेवल 46,993 और इसमें 216 का आपने एक नेगेटिव चेंज देखा। इसके बाद बात करेंगे KSE 30 इंडेक्स की। 30 इंडेक्स में 25,492 का आपने एक लेवल देखा और 115 का नेगेटिव चेंज इस इंडेक्स में भी आपने फेस किया। इसके बाद बात करेंगे ऑल शेयर इंडेक्स की। ऑल शेयर इंडेक्स में 31,902 का आपने क्लोजिंग लेवल देखा और 166 का भी इसमें आपने नेगेटिव जो है पॉइंट्स फेस किए। तीनों इंडेक्स में आज आपने आपको मार्केट नेगेटिव रही। इसके बाद बात करेंगे कंपनीज़ की। टोटल जो कंपनीज़ ऑब्जर्व हुई वो 399 कंपनीज़ ऑब्जर्व देखी और जिसमें एडवांस देखा 108 कंपनीज़ में, डिक्लाइन देखा 273 कंपनीज़ में, बट देयर इज़ नो चेंज इन 18 कंपनीज़, 18 कंपनीज़ आर स्टिल न्यूट्रल। ये तो हमने कंपनीज़ की बात की है। कंपनीज़ के बाद बात करेंगे इन्हीं के वॉल्यूम्स की कि कौन सी कंपनी का वॉल्यूम जो है आज बहुत ज़्यादा बेहतर रहा और टॉप 5 में रहा। तो टॉप 5 में सबसे पहले है दोस्त स्टील, जिसमें 31.13 मिलियन शेयर्स का काम देखने में आया और दोस्त स्टील का मैं आपको रेट बता दूं तो 10 जो है उसका शेयर प्राइस का रेट है। इसके बाद बात करेंगे बैंक ऑफ पंजाब की। बैंक ऑफ पंजाब मुसलसल 2.5 से 3 महीने जो है वॉल्यूम्स के हिसाब से अपनी जगह जो है वो मुस्तहकम किया हुआ है और आज वो नंबर 2 पोजिशन पर है। 22.68 जो है मिलियन शेयर्स आज आपने देखा कि उसके में उसमें काम हुआ, उसके शेयर्स में काम हुआ और 9 रुपये से 10 रुपये से ये शेयर बढ़ते बढ़ते आज 17 रुपये पर पहुंच चुका है इसका शेयर प्राइस का रेट। इसके बाद बात करेंगे के इलेक्ट्रिक लिमिटेड की। इसमें 14.22 जो है वो मिलियन शेयर्स देखे आपने, यानी 14 मिलियंस का आपने काम इसमें होते हुए देखा है और इसका रेट 9 रुपये है। लेकिन इस के इलेक्ट्रिक के बारे में जो ये कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये कि बहुत ज़्यादा लोग इसकी बाइंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ न्यूज़। न्यूज़ क्या है वो शंघाई के साथ आपको पता है कि इसके साथ फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, इस पर भी मामला प्रोसेस में है। इसके बाद फैसल बैंक जिसका रेट 22 रुपये है और 12.36 मिलियन शेयर्स का आज आपने इसमें काम देखा। पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क जो है इसमें 12.22 मिलियन शेयर्स और इसका रेट 37 है। ये वो कंपनीज़ के शेयर्स आपको नज़र आए, ये भी इनको भी पैनी स्टॉक्स ही कहा जाएगा, लेकिन 50 रुपये से ज़्यादा किसी की कंपनी का कोई शेयर आप आज आपको वॉल्यूम्स के हिसाब से नज़र नहीं आया। ये तो की है हमने वॉल्यूम्स की बात। अब बात करेंगे टॉप गेनर्स की। टॉप गेनर्स में वो कंपनीज़ जिनके शेयर प्राइस में आज इजाफा देखने में आया। सबसे पहले है यूनिलीवर फूड्स ₹100, नेस्ले पाकिस्तान ₹90, सिमेंस पाकिस्तान ₹62, सर्विस इंडस्ट्री ₹42, पार्क सुजुकी ₹21। ये तो वो कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस में आज आपने इजाफा देखा। पार्क सुजुकी का नाम आपको नया नजर आया होगा और सर्विस इंडस्ट्री आपको नजर आई है। इसके बाद बात करेंगे टॉप लूजर्स की। टॉप लूजर्स में वो कंपनीज जिनके शेयर प्राइस में आज आपको लॉस देखने में रहा, खसारा रहा। रिफान मेस लॉस ₹197, सेनोफी एवेंटिस लॉस ₹72, इसके बाद है अर्कुमा पाकिस्तान
lost rupees 39, with Pakistan lost rupees 36, Miller Tractors lost rupees 26. तो कुछ कंपनीज आज लॉस में भी आपको नजर आई हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आज वॉल्यूम्स के हिसाब से ज़्यादा काम देखने में आया. टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में आपको वही कंपनीज नज़र आई जो डेली बेसिस पर आपको तकरीबन नज़र आ रही हैं. ये तो थी आज मार्केट की सूरत हाल. इसी पर राय लेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मार्केट में होने वाला है और आज जो मुस्तकिल मंदी आपने देखी इसकी वजह क्या वजूहत हैं इसके पीछे. तो सज्जाद मनकानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में. CEO हैं आइकॉन कैपिटल मैनेजमेंट के. सर वेलकम टू द प्रोग्राम. कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र. सज्जाद साहब, दो दिन मार्केट बहुत अच्छी रही, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स ऑब्जर्व हुए, बुलिश देखा. मार्केट आज दो जगह पर नेगेटिव देखी, एक जगह पर 800 से ज़्यादा पॉइंट्स हमने मार्केट में कम होते हुए देखे. क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, मार्केट में हमें सिर्फ दो दिन तेजी नहीं देखी, हम पिछले 7-8 दिन से तेजी देख रहे हैं. 7-8 दिन से? जी बिल्कुल. मार्केट में 7-8 महीने से तेजी देख रहे हैं मार्केट नहीं, और ओवरऑल मार्केट ने काफी गेन किया. बिल्कुल किया. तो इस स्टेज के ऊपर मार्केट के अंदर एक करेक्शन आना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और मार्केट के अंदर थोड़ी करेक्शन आ सकती है. मार्केट के अंदर काफी चीजें, कुछ चीजें ओवर वैल्यूड भी हो गई हैं, और जो हम आज से थोड़े महीने पहले बातें करते थे वो चीजें अब बेहतर होके और काफी ज्यादा चीज़ें इम्प्रूव कर गई हैं. तो अब मार्केट के अंदर जो है आगे के लिए थोड़ा सा जो है बहुत स्क्रिप्ट के अंदर आपको चॉइस करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है. तो इस वजह से जाहिर सी बात है काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग अब नज़र आ सकती है हमें मार्केट में. ओवर वैल्यू चीज़ों की आप बात करें, किस किस्म की ओवर वैल्यू चीज़ें आप जो बोल? देखिए, वैल्यूएशन बढ़ जाती है. चीज़ें आज से 2-3 महीने पहले किसी प्राइस पर ट्रेड कर रही थी, आज वहाँ से तकरीबन 50% से 60% ऊपर हैं. बाद चीज़ें कुछ डबल भी हो गई हैं, तो वो उस लिहाज से चीज़ें जब इतनी तेज़ी से बढ़ती हैं तो उसमें जो वैल्यूएशन इम्पैक्ट होता है वो एक जगह वो जाके पहले वो अंडर वैल्यूड होती है, फिर उसके बाद वो चीज़ फेयरली वैल्यूड हो जाती है, जहां उसके बाद फिर और मज़ीद तेज़ी होती है तो वो ओवर वैल्यूड हो जाती है. जब कोई चीज़ ओवर वैल्यूड हो जाती है तो लोग उसे अपने पास रखना नहीं चाहते और फिर उसे शेड ऑफ करते हैं तावक्ते कि वो एक अपनी. ठीक है, वो उनके इंडिविजुअल्स या जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अपने परसेप्शन है, वो नहीं रखना चाहते. ये एक पॉइंट है. मतलब आप कह सकते हैं परसेप्शन है, लेकिन जाहिर सी बात है काफी एजुकेटेड इन्वेस्टर मार्केट में होते हैं, उसे परसेप्शन नहीं होता, वो कैलकुलेशंस होती हैं. वो कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन समटाइम्स कैलकुलेशन गलत भी हो जाती है. कैलकुलेशन तो आपको स्टॉक मार्केट में 100% कोई एक्यूरेसी नहीं होती. अगर एक्यूरेसी होती तो मार्केट आज से 4 महीने पहले एफिशिएंट होती, और जो आज का लेवल है वो मार्केट 4 महीने पहले लेके रख के बैठी होती. ठीक है सज्जाद साहब, आप शुरू में बात कर रहे थे कि मार्केट करेक्शन लेगी. आज मार्केट ने करेक्शन लिया, अगर लिया तो किस तरह का करेक्शन लिया है? अभी तो मार्केट ने आज काफी एक अच्छा करेक्शन लिया था, बट थोड़ी रिकवरी हो गई. तो ओवरऑल क्लोजिंग बेसिस पे तो बड़ा, जिस लेवल पे इंडेक्स है तो वहाँ पर इवन 1% का भी करेक्शन नहीं है. तो थोड़ा लोगों को कॉशियस रहना चाहिए और देखना चाहिए मार्केट के अंदर जो बिहेवियर है, तो मजीद मार्केट के अंदर लोगों को तैयार रहना चाहिए कि और थोड़ी सी करेक्शन भी हो सकती है इस मार्केट में. ठीक है, कंपनीज की बात करेंगे सर. 399 कंपनीज आज ऑब्जर्व की हैं, और उसमें हमने देखा कि 108 कंपनीज में एडवांस है, लेकिन इसके बरक्स जो डिक्लाइन देखा वो 273 कंपनीज में है. क्या आप समझते हैं कि एक यही वजह है कि मार्केट का जो इंडेक्स में जो पॉइंट्स कम है उसकी ही एक वजह ये है? नेचुरली जब भी मार्केट के अंदर आप वीकनेस देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी साथ साथ आपका ख़राब होगा, तो वीकनेस होगी ना. अच्छा जी, ठीक है. हमारी मार्केट में एक चीज़ है कि बाज़ दफ़ा कुछ स्टॉक्स का वेट ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा गिर जाए तो इंडेक्स नेगेटिव हो जाता है. दो दिन जो गुजरे उसमें तो उसमें भी हमने जो है वो डिक्लाइन ये आपसे ज़्यादा देखा था, लेकिन यही बात अभी एक्सप्लेन कर रहा था मैं आपसे कि हमारे स्टॉक क्या मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं कि जहाँ पर 4 स्टॉक्स में भी प्लस हो जाए तो आपका इंडेक्स प्लस रहता है, लेकिन ओवरऑल जो एक पूरी मार्केट है जिसके अंदर एडवांस डिक्लाइन रेशियो ये यही बता रहा होता है कि ओवरऑल मार्केट के अंदर लोगों ने काफ़ी अपनी पोजीशंस शेड ऑफ की हैं, और हर तकरीबन ज़्यादातर स्टॉक्स के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशंस बेची हैं. सही. ब्लू चिप स्टॉक्स कब रिटेन करेंगे जो हमें पहले नज़र आ रहे थे पिछले 1.5-2 महीने पहले? अभी जो स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं वो भी कभी नज़र आते हैं कभी नहीं, मतलब मुस्तकिल एक कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही ब्लू चिप स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ. आप किस लिहाज से ब्लू चिप स्टॉक्स? सर शेयर प्राइस के हवाले से बात कर रहा हूँ. ब्लू चिप स्टॉक्स में भी काफ़ी कंसिस्टेंसी रही है, काफ़ी अच्छी प्राइसेस हो गई उन शेयर्स की, और बहुत सारे शेयर्स काफ़ी ज़्यादा महंगी वैल्यूएशंस पे अब आ गए हैं. तो ठीक है, वो ब्लू चिप थे इसलिए वो महंगे हो गए हैं, बट आगे के लिए ऐसी बात, एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है. मार्केट हर वक्त जिंदगी भर बढ़ नहीं सकती कोई भी दुनिया की, ठीक है ना जी. तो मार्केट ने एक करेक्शन लेना होता है, वो किसी भी वक्त मार्केट ले सकती है.
ठीक है। अच्छा 22 तारीख कल है, 22 तारीख के हवाले से सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। 40% स्टेक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बिट लगेगी, 17 कंपनीज़ के प्रपोजल्स आ चुके हैं और जो एनालिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट वेबसाइट, थ्रू ब्लॉग्स और न्यूज़ के थ्रू हमें मिल रहा है कि शंघाई के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता है कि कल मीटिंग ऑफिशियली कुछ पब्लिश हो पाएगा या दोबारा पोस्टपोन हो जाएगी? देखिए मुझे इसका कोई अंदाज़ा है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जिन लेवल्स के ऊपर चीज़ें हो रही हैं और काफ़ी दिनों से हो रही हैं उसके सिलसिले में अभी तक तो कोई आउटकम हुआ नहीं है, ठीक है। और लास्ट टाइम भी जो है शायद प्रॉब्ली 15 तारीख को उस पर डिसीजन होना था बट वो नहीं हो पाया और वो आगे 22 तक उसको कंटिन्यू किया गया है। तो प्रॉब्ली लेट्स होप कि इंशाल्लाह कल जो है ये चीज़ जो 22 तारीख को जो है ये चीज़ हो जाए। तो अगर कोई चीज़ हो जाती है और प्रॉब्ली कोई अच्छी कोई एक अच्छा मैनेजमेंट जो है इसको टेक ओवर करती है तो एक्चुअली इससे हम मार्केट की तेज़ी मंदी नहीं निकाल सकते बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए नई प्रोडक्ट्स के हवाले से जो है मार्केट के अंदर नई चीज़ें इन्वेस्टर के लिए आ सकती हैं। नई सर तेज़ी मंदी भी निकलेगी लेकिन मार्केट की डायरेक्शन है वो किसी और के हाथ में भी जा सकती है। रेगुलेटरी जो आपका एक SEC है, देखें बोर्ड का भी इशू है, मार्केट की डायरेक्शन कभी भी किसी रेगुलेटर मैनेजमेंट या वो डिफाइन नहीं कर रहे थे। मार्केट पॉलिसीज तो क्रिएट की जाती है ना, पॉलिसीज मार्केट को चलाने के लिए, मार्केट के रूल्स, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट में किस तरीके से काम होगा, ये चीजें मैनेजमेंट और रेगुलेटर डिफाइन करेंगे। तो लेकिन मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट की तेजी मंदी वो इन्वेस्टर और मार्केट पार्टिसिपेंट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना जी। किस तरीके से इन्वेस्टर परसेप्शन है, इन्वेस्टर और ये जो मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं, जो काम करते हैं मार्केट में, जो बाय और सेल करते हैं, वो लोग मैनेजमेंट से अलग होते हैं उसूली तौर पर। बहुत आइडियल मार्केट्स के अंदर रेगुलेटर्स और मैनेजमेंट को तो स्टॉक्स में काम करने की परमिशन ही नहीं होती किसी भी तरीके, तो किसी भी तरीके से उनको तो आपको अलग रखा जाए, ठीक है ना जी। उनका काम सिर्फ यह है कि ऐसी चीज़ें करनी है जिसके लिए इन्वेस्टर के लिए एक फ्री एंड फेयर जो है इन्वायरमेंट हो जिसके अंदर वो एक इन्वेस्ट कर सकें, जहाँ पर कोई मैनिपुलेशन ना हो प्राइसेस के अंदर और इन्वेस्टर का जो है हुकूक का तहफ़ किया जा सके, बिल्कुल ठीक है। तो ये मेन रोल होता है किसी रेगुलेटर का या मैनेजमेंट का या एक जो फ्रंटलाइन रेगुलेटर स्टॉक एक्सचेंज होती है, फिर उसके पीछे के SEC होती है या एक्सचेंज कमीशन होता है, तो इनके मेन रोल ये होते हैं, ठीक है। लेकिन तो उस लिहाज से मे बी बहुत बेहतरी हो सकती है बट वो इस सेंस में कि मार्केट के अंदर मजीद वॉल्यूम बढ़ सकते हैं, मार्केट के अंदर अच्छी प्रोडक्ट्स आ सकती हैं इस तरीके से, ठीक है। वॉल्यूम्स और प्रोडक्ट्स तभी आएंगे ना सजाद साहब जब आपके जो मार्केट का फ्लोर है वो एक्सटेंड होगा, इन्वेस्टर्स आएंगे। अगर बात करेंगे फॉरनर की तो उसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ नई मैनेजमेंट आके नई प्रोडक्ट्स लाएंगे। Exactly. जब नई प्रोडक्ट आती है तो नया वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना जी। अच्छा एक सवाल मैं ऐसी से जो है कनेक्ट है वो आपके सामने रख रहा हूँ, क्या ये ज़रूरी है कि MSCI में जब हम इमर्ज हो जाएंगे 2017 में बाकायदा जब ऑपरेशन शुरू होगा आपकी मार्केट का, उससे पहले 40% स्टेक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के देना ज़रूरी है? मेरा नहीं ख्याल है, ठीक है। जहाँ तक मुझे, मैंने उसका डॉक्यूमेंट्स पढ़े नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उसमें ऐसी कंडीशन है, क्योंकि MSCI के अंदर जब आपने इंक्लूजन किया है तो वहाँ पर पास्ट जो आपने स्टेप्स लिए हैं और पास्ट परफॉर्मेंस और पास्ट क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर आपको इन किया गया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि उसमें कोई ऐसी कंडीशन रखी गई कि फ्यूचर में आपने ये चीज़ करेंगे तो आप होंगे अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है ना जी। तो वो एक अपना है लेकिन ओवरऑल जो दुनिया का एक सिनेरियो है जिसकी वजह से एक डी म्यूचुअलाइजेशन का एक तकरीबन सारी चीज़ें होने के बाद एक ये लास्ट स्टेप रह गया जिसे पूरा होना है, जिसके बाद एक डी म्यूचुअलाइजेशन का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि अभी उस सिर्फ इसके हमको इसी हद तक देखना चाहिए कि डी म्यूचुअलाइजेशन के प्रोसेस का जो लास्ट साइकिल है वो कम्प्लीट होना है और वो इससे पूरा होगा, ठीक है। के इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, अभी भी जो है कंफर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं आ रही कि ओन कब करेगा जो है शंघाई उसको, और बहुत सारी बातें कि 6 महीने बाद जो है वो इस पर जो है और हमें कुछ सुनने को मिलेगा, लेकिन आज भी हमने वॉल्यूम्स में देखा कि के इलेक्ट्रिक में काम हुआ है। सर क्या लगता है आपको कि अभी कुछ हल्के हैं रिगार्डिंग के इलेक्ट्रिक के, वो थोड़ा सा नहीं चाह रहे कि जो है शंघाई के साथ मामला आगे बढ़ें पाकिस्तान के जो ये एनर्जी का जो ये है कराची इलेक्ट्रिक का, तो क्या देख रहे हैं फ्यूचर आप के इलेक्ट्रिक का? मेरे ख्याल से चीज़ें जो है दो मैनेजमेंट्स की तो आपस में डिसाइड हो गई हैं और हमने देख लिया उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आ गई है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं उसके सब्जेक्ट पे ये डील अप्रूव्ड होगी, ठीक है, जिसमें उसको जाहिर सी बात है एक मोनोपोली कंपनी है जिसको किसी और मैनेजमेंट ने आके लेना है, बिल्कुल। तो उसके साथ जाहिर सी बात है कि जो हमारे रेगुलेटर्स हैं वो
टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे प्रॉब्ली, तो थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, बट उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह ये डील हो जाती है। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर की बात करेंगे सर, उस पर भी तहफ़ात हैं कि अभी जो टेक्सटाइल एसोसिएशन के जो लाहौर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने एक पैकेज का अनाउंस किया था, उस सेक्टर को वो पैकेज भी नहीं मिला है, और टेक्सटाइल सेक्टर को बेहतर कैसे किया जा सकता है। लिस्टिंग की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा लिस्टिंग कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर के, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। क्या आप समझते हैं अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कैसे कैपिटल रिटेन होगा, कैसे मामला बेहतर होंगे? देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, बिल्कुल किसी हद तक गवर्नमेंट को टेक्सटाइल को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है उससे भी ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट से हटकर नई मार्केट्स और नई प्रोडक्ट के साथ जो है दुनिया में जाना पड़ेगा। अभी तक हमने देखा ये है कि वो एक ट्रेडिशनल और बिल्कुल प्लेन कपड़ा और इस किस्म की चीज़ जो है वो करते रहें, आगे जो फ्यूचर नज़र आता है और जो चीज़ें हैं उन लोगों की है और उन इंडस्ट्रीज़ की हैं जो वैल्यू एडिड के अंदर है। हमारे यहाँ भी जो वैल्यू एडिड में जो कंपनीज़ हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं टेक्सटाइल के अंदर, बट बदकिस्मती से जो सिर्फ एक सिंपल रॉ कमोडिटी टाइप जो है तरीके से उसे प्रोसेस करके और बेचना चाहते हैं उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, तो वो चीज़ भी उनको थोड़ा सा अपनी कंपनीज़ के अंदर चेंज लाने पड़ेंगे, अपनी कंपनीज़ को बेहतर करना पड़ेगा। उसी सूरत में जो है आप जो है अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन और फिर पर एक साथ ही साथ ये कि टेक्सटाइल क्योंकि एक एक्सपोर्ट का भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो ओवरऑल पॉलिसी के लिहाज से गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट्स के लिए और भी चीज़ों को देखना होगा आगे चल के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया। बैरियर्स किस चीज़ पे, अगर आप एक्सपोर्ट की बात करेंगे और टेक्सटाइल सेक्टर के, तो बैरियर्स कहाँ पर आ रहे हैं अगर एक्सपोर्ट के मामले में? देखिए, क्वालिटी का भी हमारा इशू है, हमारा कॉस्ट का इशू है, कॉस्ट का इशू गवर्नमेंट सॉल्व कर सकती है, बट क्वालिटी का इशू जो है वो हमारे प्रोड्यूसर ने सही करना है। तो दोनों तरफ से मैंने कहा ना कि दोनों चीज़ें जब सही होंगी तो फिर चीज़ आगे बढ़ेगी। अच्छा, इस पूरे सेक्टर का एनर्जी के की बात हम साइड पे रखेंगे, सबको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम एनर्जी है, किसी भी सेक्टर की बात करेंगे, इस एनर्जी प्रॉब्लम के अलावा और क्या सेक्टर्स हैं जो फेस कर रहे हैं टेक्सटाइल वाले एसोसिएशन वाले, जिनको जिस पर अभी मुतालबा है उनका, पैकेज का भी, फंड्स का भी मसला है, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेन तो यही प्रॉब्लम है ना, अगर ये चीज़ हो जाए, मेरे ख्याल से एनर्जी की प्राइसेस उनकी बेहतर हो जाए, फिर कॉटन के साथ भी जो है मामला, कॉटन के मामला तो रहेंगे। देखिए, उसमें आप इसीलिए मैंने कहा ना कि बहुत सारी जो आप एक ऐसी चीज़ है जो कंट्रोलेबल नहीं है, आपकी कॉटन प्रोडक्शन नहीं होती जी, ठीक है, वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है ना किसी के हाथ में, वो किसी साल जो है ना आपकी टारगेट पूरा हो जाता है, किसी साल नहीं आता। ओवरऑल हम देखा जाए तो हमने कोई इतने सालों में कोई नई नेट जो है हमने अपनी कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो इसमें कोई इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है। उसका हल जो है वो ग्रोवर लेवल के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करना है और नया बीज, नई जो है और नई किस्म की कॉटन जो है हमें डालनी पड़ेगी जिसकी यील्ड ज़्यादा बेहतर हो। हमारे यहाँ बदकिस्मती से अभी भी हम बहुत पुरानी यील्ड के तरीकों पर चल रहे हैं, हमारा यील्ड आज तक, इसीलिए हमारी यील्ड जो है बेहतर नहीं हो पाई। जो सर फोरकास्ट किया करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं कि इस साल या इस क्वार्टर जो है हमें प्रोडक्शन के हवाले से इतना आउटपुट मिलेगा कॉटन का, वो क्यों नहीं मिल पाता? फिर दूसरे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फार्मर के प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज प्रोडक्शन से आप देखिए, फार्मर के प्रॉब्लम फार्मर की नहीं है, फार्मर की एजुकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एजुकेटेड नहीं है, उसे नहीं पता कि उसका फ़ायदा किस चीज़ में है, वो एक और लोगों का जहन जो एक ट्रेडिशनल तरीके से चलने का आदी है, उन्हें नए तरीके अपनाने होंगे, नए सीड्स डाल के बेहतर यील्ड जो है जब वो क्रिएट करेंगे तो फिर जो है उनकी बेहतरी होगी, ठीक है ना। अगर वो पुराने तरीके से अगर, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट बढ़ जाती है हर चीज़ की, और अगर आपकी प्रोडक्शन वही रहे तो फिर आपको जो है वो क्रॉप जो है वो फ़ायदा नहीं देती, तो फिर आप फिर उगाना भी छोड़ देते हैं, सही बात है, तो हमें शॉर्टेज भी हो सकती है। तो जब तक वो एजुकेट होकर अपनी यील्ड बढ़ा लेगा तो उसकी कॉस्ट जो है उसको कंट्रोल करेगा और फिर उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, ये तो कॉटन की बात हमने कर ली। ऑयल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ऐसी कॉमोडिटी जो तमाम मुल्क के जो दीगर ममालिक हैं उनके लिए बड़ी अहम है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें सर, अगस्त सितंबर अक्टूबर में ऑयल हमने बहुत कम देखा, इंटरनेशनली स्टेबल भी रहा 47-48 पर बैरल पे, उससे हमने फ़ायदा उठाया, दीगर ममालिक ने भी उठाया, ना सिर्फ पाकिस्तान ने उठाया, लेकिन अब ओपेक की मीटिंग के बाद भी हमने मार्केट को थोड़ा सा ऊपर जाते हुए देखा, लेकिन अभी भी हम ऑयल जो कॉमोडिटी है इसमें डेली बेसिस पे अप एंड डाउन देख रहे हैं। आज भी जो है इजाफा देखा हमने $53.69 पर बैरल पे, कहाँ पर स्टे लगता है आपका कि रह जाएगा और इससे हमें जो है फायदा हम हासिल कर सकें? दुनिया में आप ये उसके अंदर ऊपर नीचे रहेगा अभी,
और ये वॉलेटिलिटी ऑयल प्राइसेस के अंदर रहेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा ऑयल बढ़ नहीं रहा और ना कोई इतनी एक्सपेक्टेशन है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो इवन अगर 55-56 भी होता है तो वो भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं है सऊदी अरब और ईरान के लेकर, अगर इस तरह से बात करें. क्या चीज़? ऑयल के हवाले से जो हम खबरें सुन रहे थे प्रोडक्शन के हवाले से. नहीं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो कोई नहीं है. जाहिर सी बात है उनके लिए भी अब $25-26 में ऑयल बेचना जो है उनके लिए फीजिबल नहीं है. पूरी इकनॉमीज़ उनकी तबाह हो रही हैं ऑयल प्राइस नीचे आने की वजह से. मिडल ईस्ट की इकनॉमीज़ जो हैं उन पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ रहा है, तो वो भी चाह रहे हैं कि थोड़ी सी ऑयल प्राइस बेहतर हो जाए. ठीक, ऑयल प्राइस बेहतर होने के लिए अब क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गया और शेल प्रोडक्शन वगैरह आ गई है, तो प्रॉब्ली अराउंड 60 से ऊपर प्राइसेस की ऐसी इतनी जल्दी उम्मीद नहीं है कि कोई अनलेस एंड अंटिल कोई और मेजर चेंज नहीं आता. तो आपकी ऑयल प्राइसेस जो है अराउंड 58-59-60 तक का टॉप देख सकती हैं और 50-60 की रेंज के अंदर रह सकती हैं. बट दुनिया का मैकेनिज्म इस तरीके से है प्राइसेस का कि उसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, तो वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और ये इसके साथ ही ठीक है चलना है. सज्जाद साहब, इस पर तो बात कर ली, ब्रेक पर जा रहे हैं. ब्रेक पर जब आएंगे तो एशियन मार्केट की बात करेंगे. एशियन मार्केट को भी आज हमने मुसलसल नेगेटिव देखा है, तो इस पर हम आपकी राय लेंगे इंटरनेशनली. लेट्स टेक अ ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मार्केट के हवाले से, और अब बात करेंगे एशिया मार्केट के हवाले से. एशियन मार्केट का हाल आपके सामने रखें, अगर बात करें सेंसेक्स इंडेक्स की तो आज उसको भी हमने नेगेटिव देखा है और सिंगापुर इंडेक्स को भी नेगेटिव देखा है. निकी इंडेक्स को भी हमने जो है नेगेटिव देखा है. एशिया डो, हैंगसेंग एंड शंघाई दे आर पॉजिटिव. पूछेंगे क्या वजूहत है इसके पीछे सर, क्या वजूहत है कि एशियन मार्केट को हम दो दिन से जो है वो नेगेटिव देख रहे हैं? देखिए, जब से US इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसके बाद हम देख रहे हैं कि US डॉलर जो है दुनिया में काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, और हमने इन एशियन और इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर जो तेज़ी देखी थी वो सारा का सारा पैसा जो है क्योंकि डॉलर इंटरेस्ट रेट बहुत लो थे जी, तो वो पैसा सारा शिफ्ट हो रहा था इन मार्केटों में और इंक्लूडिंग हमारी मार्केट. अब लोगों को वो साइकिल रिवर्स होते हुए लगा और इंडिकेशंस ये आई हैं कि आइंदा भी मज़ीद US इंटरेस्ट रेट बेहतर होंगे, बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इन सारी मार्केट से पैसा निकलना शुरू हुआ है. और हमने इसी तरीके से अपनी मार्केट में भी जो है नंबर्स, हमें अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव देखने शुरू किए हैं. तो ये एक रीज़न है, प्लस क्योंकि डॉलर महंगा हो जाता है तो उसकी वजह से करेंसीज़ वीक होती हैं. जब करेंसीज़ वीक होती हैं तो इंटरनेशनली अगर आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका क्राइटेरिया या मेजरमेंट हमेशा डॉलर में होती है. तो अगर मार्केट सपोज फ्लैट भी रहती है और मार्केट कुछ नहीं करती, तो $100 अगर उनकी करेंसी वीक हो जाती है वो 5% से, तो $100 उनके $95 हो जाते हैं. सही, ठीक है ना जी. तो उस वजह से भी लोग जब देखते हैं कि करेंसीज वीक हो रही हैं तो उन मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, तब वक्त दोबारा उनको वो करेंसीज जो है दोबारा स्टेबल होते हुए लगें नंबर वन, और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो चेंज होता है उसके अंदर जब तक कि उन्हें वो पैसा जो अब US मार्केट्स में ले जाना है और जो सारा चीज़ें हैं तो वो उसे निकालते रहते हैं. सज्जाद साहब, क्या लगता है कि ओपन मार्केट में अभी हमने देखा कि डॉलर जो है वो वर्सेस रुपीस की बात करेंगे 108 रुपये पे आ गया, प्लस ट्रंप इलेक्ट हुए हैं, उससे पहले ये कयास आईयां थी कि ट्रंप के आने के बाद डॉलर इंटरनेशनली वीक हो सकता है, लेकिन हमने डॉलर को सस्टेन होते हुए देखा है, स्ट्रांग होते हुए देख रहे हैं. मज़ीद जनवरी के बाद पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी बिकॉज व्हाइट हाउस में उनके आना होगा, फिर उस हिसाब से वो मार्केट को चलाएंगे. क्या लगता है आपको इंटरनेशनली, आप अगर मैं एशिया मार्केट की बात करूँगा, डॉलर मज़ीद अगर आगे जाएगा तो एशियन मार्केट क्या क्या होगा, वाइस वर्सा होगा, एशियन मार्केट और डिप्रेस हो जाएंगी? देखिए, मेरे ख्याल से दुनिया की मार्केट्स जो हैं सारी वो डिप्रेस रहेंगी और लोगों का फोकस US मार्केट्स की तरफ होगा बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट फैक्टर. किसी शख्स के आने या जाने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो एक टेम्पररी जो है मार्केट उसको जो है एक टेम्पररी तौर पर जो है उसको जरूर लेती है, लेकिन मेन रीजन जो इकोनॉमिक रीजन या एक बेसिक फंडामेंटल रीजन होता है वो आगे शॉर्ट टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वर्क करता है. और वो यही होगा कि डेफिनेटली के US डॉलर बेस रेट्स अगर बढ़ते हैं तो पैसा इन सारी मार्केट से और दुनिया की मार्केट से निकलेगा.
ٹھیک ہے. اب بیچ میں دو تین ہفتے پہلے اب معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں, میں فورن انویسٹر کی بات کروں گا, انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ بائنگ اینڈ سیلنگ سے مچا رہا ہے. اگر سیل کر رہے تھے تو جو لوکل تھے ان کے دماغ میں آتا کہ فورنر کیوں سیل کر رہا ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا. آپ شروع میں بھی بات کر رہے تھے مجھ سے, میں نے آپ سے کہا کہ ہماری مارکیٹ سے بھی پیسہ نکلا ہے, مارکیٹ سے ابھی بھی نکل رہا ہے اور اب تک نمبرز نیگیٹو ہی آ رہے ہیں اور کافی پیسہ ہماری مارکیٹ سے نکل گیا اراؤنڈ کو 300 ملین ڈالر کے نزدیک, تو وہ فگرز پہنچ گئی ہوں گی, ورنہ 275 سے 300 ملین ڈالر کے آس پاس جو پچھلے 6 مہینے میں اور 1.5 مہینے میں بہت زیادہ تیزی سے پیسہ نکلا. تو فورنرس کا ابھی ہماری مارکیٹ سے تو فی الحال ایگزٹ نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ دنیا کی مارکیٹ سے بھی پیسے ہٹا رہے ہیں, تو اسی وجہ سے ہماری مارکیٹ سے بھی پیسے ہٹ. جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے انٹرسٹ ریٹ, یو ایس انٹرسٹ ریٹ ایک فیکٹر ہے. جی, یو ایس انٹرسٹ ریٹ فیکٹر ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ وہ تھوڑا سا ایک چین افیکٹ ہو جاتا ہے, جب یو ایس انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو لوگ ڈالر لینا شروع کرتے ہیں, جب لوگ ڈالر لینا شروع کریں گے تو دوسری کرنسیز ویک ہو جائیں گی, جب آپ کرنسیز کو ویک ہوتا دیکھیں گے تو انٹرسٹ ریٹ میں تو صرف آدھے پرسینٹ کا کوارٹر پرسینٹ کا فی الحال فرق پڑا, مزید آگے 2 مہینے بعد زیادہ زیادہ آدھے پرسینٹ کا اور فرق پڑ جائے گا, بٹ کرنسیز 4-5% سے لے کے 10-10% تک ویک ہو جاتی ہیں. تو میں نے آپ کو کہا نا کہ کرنسیز کے اگر ویک ہو جائیں اور جس ملک میں آپ انویسٹ کیا ہوا ہے وہاں کی کرنسی ویک ہو جائے تو آپ کو بڑا نقصان ہوتا ہے اس کے اندر, تو اس وجہ سے انویسٹر دیکھتے ہیں کہ آگے بھی اگر کرنسیز ویک ہیں تو وہ اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. سجا صاحب, یہ تو ایک فیکٹر ہو گیا. اب دسمبر آلموسٹ جو ہے اینڈ ختم ہونے کو آ رہا ہے, جنوری کا اسٹارٹ ہوگا, جنوری کے اینڈ میں ہمیں اینول ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے جس کو کارپوریٹ ریزلٹس کہا جاتا ہے. کیا خیال ہے آپ کا, 4 سے 5 بڑے سیکٹرس ہیں جن کا ریزلٹس کا ہم لوگ منتظر ہیں, بیکاز ان کا ریزلٹ بیس کرے گا آپ کی لسٹنگ کمپنیز کی طرف سے, جس میں سر فہرست ہے کمرشل بینکس. کمرشل بینک کا کیا رول لگ رہا ہے آپ کو اس وقت جو دیکھ رہے ہیں آپ, بینک بورنگ کے حوالے سے, ڈپازٹس کے حوالے سے, 6 منتھ کا ریزلٹ بھی بہتر تھا, تو جو بڑے بینک ہیں ان کا کیا کردار ہوگا آنے والے دنوں میں؟ اور دیکھیے بینکس کی, ہمارے یہاں بینکس بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں, پروفیٹیبلٹی بہت اچھی ہے, سب کچھ بہتر ہے, بٹ ساتھ ہی ساتھ اب ہمارے اسٹاکس کی پرائسز بھی بہتر ہو گئی ہیں. بالکل. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس سوال حوالے سے بات پوچھیں کہ اسٹاک پرائسز کیا ہوں گی, تو میرے خیال سے جو بہتری ہونی ہے وہ بلٹ ان ہو گئی ہے پرائسز کے اندر کافی حد تک. اچھا جی. تو بٹ یس, پرفارم آپ لانگ ٹرم میں رکھیں گے تو مزید بہتری ہوگی, پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو ریٹرنس ملیں گے, بٹ شارٹ ٹرم میں تو یس, جتنی بہتری ہونی ہے وہ ہماری پرائسز میں بلٹ ان ہے. این آئی بی این ایم سی بی کا ایمرج آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک نارمل مرجر ہے, کافی دنوں سے یہ چیز چل رہی تھی, وہ کمپنی ایک کمپنی جات تھی, اس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی, وہ ایک اچھی بڑی کمپنی میں چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی ڈیفینیٹلی, اور جس کمپنی میں جا رہی ہے وہ کمپنی اپنی پرفارمنس اس کی کافی بہتر رہی ہے, اور انہیں ظاہر سی بات ہے انہوں نے اگر اس بینک کو لیا ہے تو ان کے پاس کافی کچھ سوچ سمجھ کے لیا ہے اور اس کے اندر کافی ان کو ایڈوانٹیجز نظر آ رہے ہیں. بالکل. ادروائز اس کمپنی میں ویسے پروفیٹیبلٹی نہیں تھی, لیکن ایم سی بی کا شیئر پرائس آپ دیکھ رہے ہیں آگے اس کی گروتھ نظر آ رہی ہے؟ کافی بہتری ہوئی ہے, مزید اور بہتر ہو سکتی ہے تھوڑی بہت پرائس کے اندر. ٹھیک ہے, تھوڑی بہت ہو سکتی ہے. اسی حوالے سے سمٹ اینڈ سندھ بینک کی ایسوسی ایشن بھی ہم سن رہے ہیں, مرج بھی سن رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو, بینک آف پنجاب کے مد مقابل سندھ بینک بھی لسٹنگ کی طرف آ جائے گا؟ دیکھیے وہ مد مقابل نہیں ہے بینک آف پنجاب. ٹھیک ہے, اس لحاظ سے وہ لٹل کمپٹیٹر کہہ سکتے ہیں سر. نہیں نہیں نہیں, آپ نہیں کہہ سکتے کمپٹیٹر, اس میں کمپٹیشن نہیں ہے. اچھا, اس میں کمپٹیشن اس لیے نہیں ہے, وہ ایک الگ صوبے کا بینک ہے, یہ ایک الگ صوبے کا بینک ہے. ٹھیک ہے, کمپٹیشن وہاں ہوتا ہے کہ آپ اسی ایک ہی جگہ پہ آمنے سامنے دو بینکس کریٹ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, صرف وہ اس کو دیکھا دیکھی ایک اور بینک بن رہا ہے. ٹھیک ہے, سندھ, لیکن اس میں کمپٹیشن ان دونوں کا نہیں ہے, وہ وہاں پر کام کرتا ہے, اس کا میجورٹی کام, اس کا زیادہ بزنس وہاں پر ہے. ٹھیک ہے, بینک آف پنجاب کا, سندھ بینک کا زیادہ میجورٹی بزنس سندھ ریلیٹڈ ہوگا, اس کے سراؤنڈنگ صوبائی کمپٹیٹر ہو جائیں گے. جی, صوبائی, اگر صوبائی کمپٹیٹر بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کمپٹیشن میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب اگر سندھ گورنمنٹ کے ڈپازٹس اگر سندھ بینک میں ہیں تو پنجاب گورنمنٹ کے ڈپازٹس تو آپ اٹریکٹ نہیں کر پائیں گے کبھی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور پنجاب گورنمنٹ کے ڈپازٹس اگر بینک آف پنجاب میں ہیں تو وہ سندھ بینک اٹھا کے بینک آف پنجاب میں ڈپازٹس نہیں دے گا, تو اس لحاظ سے ان کا کمپٹیشن آپس میں کوئی ہوگا نہیں. ٹھیک ہے جی, نہ بینک آف پنجاب کی کوئی سندھ میں اتنی زیادہ پریزنس ہے. اگر سندھ بینک کا کوئی کمپٹیشن ہوگا تو یہاں جو ایگزسٹنگ بینکس ہیں ان کے ساتھ ہوگا. بینک آف پنجاب کا بھی جو کمپٹیشن ہے, جو پورا اوور آل بینکنگ سیکٹر ہے, اس کے ساتھ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن جو بینگ اب پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ رہنے کے جو اٹیچمنٹ کے جو فائدے انہیں ہوتے ہیں, اسی طریقے سے جو فائدے فیڈرل گورنمنٹ نا, اگر بینک آف پنجاب کی بات کریں, میرا نہیں خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ, مطلب بینکنگ ریگولیشنس کے حساب سے
जो है क्रिएटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, बेसिकली उसका यह था। लेकिन बाद में क्योंकि फिर बैंकिंग लॉ चेंज हो गए तो अब आप पहले उसकी सर्विसेज महदूद थी टिल पंजाब, लेकिन अब हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा उन्होंने दूसरे जो सूबाई बैंक हैं वो लिस्टिंग की तरफ आने चाहिए नहीं, इस पे आपका जवाब लूंगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक का कहा जा रहा है, लेट्स टेक अ ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सवाल ये रख रहे थे हम प्रोग्राम में ब्रेक से पहले कि जो बैंक होते हैं सूबाई बैंक होते हैं, क्या वो लिस्ट होना ज़रूरी है? अगर वो लिस्ट होते हैं तो उस पर जो शेयर होल्डर होता है, जो ट्रेडर होता है, उसको कितना भरोसा होना चाहिए? एक जनरल क्वेश्चन है सर, इस पर क्या राय है आपकी? एक क्यूरी भी थी किसी के, जो इन्वेस्टर है वो कितना फेथ या कितना ट्रस्ट कर सकता है इन प्रोविजनल बैंक्स पर? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल, एक हमारी ओवरऑल जो है कंट्री की एक डायरेक्शन हुई है प्राइवेटाइजेशन की, ठीक है, उस डायरेक्शन के अंदर हमने तकरीबन जितने नेशनलाइज बैंक थे उनको प्राइवेटाइज किया है, ऑलमोस्ट एक बैंक के अलावा। जब हमने उनको प्राइवेटाइज किया तो हमने उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर होते देखी है, बिल्कुल ठीक है, और वो उनके शेयर प्राइसेस में भी इम्प्रूवमेंट बहुत काफ़ी, यानी कि बाद शेयरों के सूरत में कोई 15 से 20 गुना प्राइसेस बेहतर हो गई, किसी में 4 गुना हो गई, किसी में 5 गुना हो गई। तो पर्सनली मैं समझता हूँ कि स्टेट का काम बैंक चलाना नहीं होता, जब ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट का काम बैंक चलाना नहीं है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम भी बैंक चलाना नहीं होना चाहिए। तो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर बैंक नहीं बनने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में क्राइसिस जब होते हैं, और डेफिनेटली एक बैंक अगर पॉलिटिक जो है एक प्रोविंशियल किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है तो फिर उसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़रूर होगा, और वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है ओवरऑल डिपॉजिटर्स के लिए जो है काफ़ी नेगेटिव होगा। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को स्टेट ने जब एक डिसीजन हो गया और चीज़ें प्राइवेटाइज होनी है तो फिर हम दोबारा फिर एक काम इस तरीके से कर रहे हैं और फिर दोबारा हम दूसरी एक और चीज़ क्रिएट क्यों कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। सही, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अभी आप बोल रहे हैं कि वो गवर्नमेंट का होना नहीं चाहिए, बिकॉज वो तो फिर पॉलिटाइज हो रहा है। स्टेट बैंक तो अपने एक रूल रेगुलेशन बनाता है और उसके हिसाब से उसकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं, बगैर सी बात है, जब गवर्नमेंट से एक चीज़, स्टेट बैंक भी कहने को ठीक है इंडिपेंडेंट होता है लेकिन बहरहाल किसी हद तक जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर वो रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं तो बैंक बना सकते हैं, ठीक, बट हम एक और नया जो है एक एसेट क्रिएट कर देते हैं जो आगे हमें प्रॉब्लम दे सकता है। सही, मेरा ख्याल है कि ऐसी चीज़ें अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बहुत क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब सीमेंट सेक्टर की सर बात करेंगे, नवंबर में और अक्टूबर नवंबर में सीमेंट थोड़ा सा जो है वो लो रहा, प्रोडक्शंस के हवाले से भी और आउटपुट के हवाले से भी। सीमेंट ने दोबारा सस्टेन करना शुरू किया है दिसंबर के स्टार्ट में, क्या लगता है सर सीमेंट सेक्टर के जो प्राइसेस हैं वो भी हाई हो चुके हैं, मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, सप्लाई थोड़ी कम है, और कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि सप्लाई जितनी होगी उतनी क्रिएट की जा रही है, फिर कुछ इदारे ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शंस कम कर दी गई हैं, क्या लगता है सर क्या है पीछे सब कुछ? मेरा नहीं ख्याल है प्रोडक्शन कम की गई, हमारी जो सीमेंट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, सीमेंट के सारे प्लांट्स अब तकरीबन 90% प्लस कैपेसिटी पे चल रहे हैं और प्रॉब्ली नियर द फुल कैपेसिटी आ गए हैं ऑलमोस्ट। ओवरऑल सेक्टर की भी जो वो है प्रोडक्शन वो भी फुल कैपेसिटी के नज़दीक है। आगे चल के देखना यह है कि अब जब एक चीज़ बहरहाल एक चीज़ एक प्लांट या एक इंडस्ट्री अगर अपनी फुल कैपेसिटी पे चलना शुरू हो जाए तो बाज़ाहिर उसमें ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। सही, तो अब जो लोग एक्सपेंशंस कर रहे हैं उनके यहाँ मज़ीद ग्रोथ आ जाएगी तो वो बेहतर हो जाएंगे, और जो लोग जो छोटे प्लांट्स होंगे वो एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़े प्लेयर्स का खेल हो गई है, ठीक है जी, तो उसके अंदर जो छोटे प्लेयर्स रहेंगे वो ज़रा सफ़र करेंगे, तो वो वाले स्टॉक्स जो है इतना बेहतर नहीं करेंगे, जहाँ एक्सपेंशन होंगी वहाँ उनको आगे चल के काफ़ी बेहतरी होगी, बट शॉर्ट टर्म में शायद वो एक्सपेंशन वाले थोड़ा सफ़र करें 1-2 साल, बट आगे चल के वो बेहतर हो जाएंगे। और सीमेंट की जो है आगे खपत तो है वो तो काफ़ी बेहतर होती जा रही है, और क्योंकि जिस तरीके से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और सीपैक वगैरह की वजह से, तो सीमेंट
की जो डिमांड है वो तो बेहतर होती रहेगी। अब देखना यह है कि सीमेंट प्राइसेस में पिछले साल डेढ़ साल से कोई इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। सज्जा साहब, रियल इस्टेट सेक्टर को जो एवोल्यूशन गवर्नमेंट ने क्रिएट की थी, उस सेक्टर के लोग ये बात कर रहे हैं कि इन गवर्नमेंट की एवोल्यूशन की वजह से हम बहुत परेशान हुए हैं, हमने सफ़र किया है, और जिसकी वजह से सीमेंट की जो थोड़ी सी आपने प्रोडक्शन की मैंने अभी बात की थी कमी देखी, एक वजह ये भी है। तो रियल इस्टेट सेक्टर का भी ज़रा आप अपनी राय दीजिए, क्या समझते हैं आप जो गवर्नमेंट ने जो एवोल्यूशन किया है? देखिए, रियल इस्टेट सेक्टर की थोड़ी सी चीज़ें नाजायज़ हैं इस लिहाज से कि हमारे यहाँ जो है चीज़ों को एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट में होना बहुत ज़रूरी है। रियल सेट के अंदर अभी भी जो है रियल प्राइस और डिक्लेयर्ड प्राइस में बहुत बड़ा फ़र्क है। सही। और ये चीज़ें फिर ब्लैक इकोनॉमी क्रिएट करते हैं कि हमारा कारोबार गवर्नमेंट ने एवोल्यूशन जो की है उसे ख़त्म हो गया है। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि जो है कारोबार ज़रूर ख़त्म हो गया होगा, बट वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होना और वो चीज़ की जो आप अभी बात ब्लैक और वाइट मनी का वहाँ पर इस्तेमाल होना, ये चीज़ें किसी भी तरीके से सूदमंद नहीं थी। ठीक, तो है। उस सेक्टर को भी जब दुनिया हर तकरीबन हर सेक्टर आ गया तो वहाँ पर एक एवेन्यू क्यों छोड़ा हुआ था? जहाँ पर जुर्म जुर्म है। नहीं, मैं जुर्म नहीं कह रहा उसको, मैं बात करूंगा ब्लैक एंड वाइट मनी में भी जुर्म नहीं, लेकिन एक चीज़ है ग्रे एरिया। ग्रे एरिया, अभी उस ग्रे एरिया को जब आप कर देंगे, सही कर देंगे, तो उसके बाद जो चीज़ होगी वो जुर्म होगा। ठीक है, ठीक है। अभी तो कोई जुर्म आप नहीं कह सकते, हो गया एक प्रैक्टिस है जो गलत थी, पहले तो उसे सही हो जाना चाहिए। ठीक है, आप एक चीज़ अगर ये 10 रुपए की ले रहे हैं तो वो 10 रुपए की होनी चाहिए, लेकिन आप कहेंगे जी ब्लैक मनी के हवाले से मैंने बात नहीं, व्हाइट एंड ब्लैक मनी की भी बात एक प्रैक्टिस है ना आपकी, वो तो एक सोसाइटी में चल रही थी इतने दिनों से। तो व्हाइट एंड ब्लैक मनी जब आपकी प्रैक्टिस, अगर आप उस वक्त तक आप उस प्रैक्टिस को लीगल कह रहे हैं, ठीक है, जब प्रैक्टिस ही लीगल है तो उसमें ब्लैक मनी तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो फिर वो आप हमें नहीं पता वो ब्लैक है कि वाइट है, लेकिन बाहर वो प्रैक्टिस हो सकता है आपके पास। आप एक चीज़ लेते हैं, ये कहते हैं ये 100 रुपए की और मैं डिक्लेयर 10 रुपए करूंगा, हो सकता है आपके 90 रुपए जो है वो वाइट हो। सही, ठीक है, लेकिन इस वक्त हम नहीं है कोई के उसको डिटरमाइन करें। बाद में जब 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 आपसे ये कहा जाएगा कि आपने 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही दिखानी है, तो फिर आप अगर उसे कहेंगे तो फिर उसके बाद वो कोई चीज़ जुर्म बनेगी और कुछ होगा। इस वक्त हम अभी इसको जुर्म नहीं कह सकते, लेकिन एक गलत प्रैक्टिस है जिसे सही हो जाना चाहिए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब आपका, आपने आकर बेहतर तरीके से मार्केट को एक्सप्लोर किया है। आज आपने देखा कि मार्केट ने थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि आप जो है खौफजदा हो जाएं। और सज्जाद साहब ने भी कहा कि मार्केट करेक्शन ले रही है, क्योंकि आपने 2 हफ्ते मार्केट को बहुत ज़्यादा बुलिश देखा है। आज इतना ही, अपना और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।